उत्तराखंड में 3 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर इस बार तीर्थ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना महामारी के बाद 2 साल बाद शुरू हुई इस चारधाम यात्रा में इस बार कुछ तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की मौतें होने की खबरें भी लगातार सामने आती जा रही हैं। इस यात्रा के दौरान अब तक 39 तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हो चुकी है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट के अनुसार चारधाम यात्रा मार्ग पर अब तक 39 तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु का कारण उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याएं और पर्वतीय बीमारी रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य रूप से अयोग्य तीर्थ यात्रियों को यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। गौरतलब है कि भारत की चारधाम यात्रा दुर्गम और दुर्लभ यात्रा में से है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। पहाड़ों पर स्थित चारधाम मंदिर के दर्शन के लिए भक्त पथरीले और ऊंचे ऊबड़ खाबड़ मार्गों से होते हुए जाते हैं। भक्तों की आस्था और विश्वास चारधाम यात्रा से जुड़ी है, लेकिन यहां जाने का मार्ग कठिन होने के कारण कई लोगों को चारधाम की चढ़ाई करने में शारीरिक स्तर पर समस्याएं आती हैं। चारधाम यात्रा में अब तक 39 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर मौतें हार्ट अटैक की वजह से हुई हैं। यात्रा के दौरान बीमार और बुजुर्ग श्रद्धालुओं की जान को भी खतरा रहता है। कमजोर हृदय के मरीजों के साथ ही कई अन्य बीमारियों के कारण भी तीर्थ यात्रियों में जान का खतरा बना रहता है। तो आइए विशेषज्ञों से जानते हैं कि चार धाम की कठिन यात्रा में किन बीमारियों से ग्रसित तीर्थ यात्रियों को ज्यादा खतरा है और हृदय रोगियों के लिए चार धाम की यात्रा क्यों कठिन है। इंदौर स्थित मेदांता अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अल्केश जैन ने हार्ट अटैक को लेकर अपनी बात रखी है। डॉक्टर अल्केश जैन को हृदय रोग के इलाज का लंबा अनुभव है। कल जो भी व्यक्ति या तो अधिक उम्र के हैं या फिर जिन्हें हार्ट की पहले से बीमारी है, यदि वो लोग हिल स्टेशन पे कुछ वेकेशन प्लान कर रहे हैं या फिर कोई चारधाम यात्रा या अपनी धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं ऊंचाई वाली जगहों पर, उस जगहों पर जाने से पहले हमेशा ये बेहतर होता है कि हम अपने हार्ट की और बाकी जितने भी रिस्क फैक्टर्स है हार्ट से बीमारी के, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इन सब का हम रूटीन चेकअप करवा कर ही जाएं। क्योंकि मान लो यदि हमें कोई अंदरूनी बीमारी है और यदि हम ज्यादा एक्सर्शन करते हैं पहाड़ी वाली जगह पर, तो हमें हार्ट अटैक या कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना हो सकती है। तो हम ये ध्यान रखें कि इन जगहों पर जाने से पहले हम अपना रेगुलर एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप, जिसमें इको, टीएमटी और सारी खून की जांच और ईसीजी होती है, ये सब करवा कर ही जाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। इस बीच खबर है कि चार धामों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अब तय क्षमता से अधिक तीर्थ यात्रियों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर भी धामों की वहन क्षमता के अनुसार प्रतिदिन पंजीकरण की व्यवस्था को लागू किया है। तय क्षमता के मुताबिक पंजीकरण फुल होने पर तीर्थयात्री अगली उपलब्ध तिथियों पर पंजीकरण करा सकेंगे। सरकार ने केदारनाथ धाम में 13,000, बद्रीनाथ धाम में 16,000, गंगोत्री में 8,000 व यमुनोत्री धाम में 5,000 संख्या तय की है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।